बेचा मक्का हाँ। हमने 800 क्विंटल बेचा। ये क्या है? धान हमारे 1400 क्विंटल बिकी है, तो 2500 रुपए एमएसपी रेट है, उसमें 1400 बेची हमने। यही हो रहा हमारे साथ, धोखा हो रहा है। ये न्याय कर रहे हैं, ये कहते हैं कुछ है, करते कुछ है, कथनी बात फर्क है। मेरा टिकट जाओ सब की तरह होता हूं मैं, मंडी में जाता मैं, रो के आता बोलता हूं मैं, आता भाई जी वो लेके जाता, जैसे चीज मैं लेके आया वो दे के आ रही है, वो बोले के नहीं आ रही मुझे, वो बोले के नहीं आ रही मुझे। भाई भाई मैं इस दर्द के साथ हूं, हमें तकलीफ हो रही है यार। मेरी माने वे मोदी जी बिनती है, मोदी जी आप बहुत अच्छे हो, मोदी जी आप बहुत अच्छे हो, पर अमित शाह के चक्कर में मत आना। अमित शाह ने बंगाल में लोगों को पैसे खरीद खरीद के ममता बनर्जी के वहाँ भी लूट रहा है। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं एक चिट्ठा खोल देता हूँ अमित शाह का, मोदी जी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आप तारीफ के काबिल हो मोदी जी, मैंने आप तारीफ के काबिल हो, पर तारीफ जब ही मिलेगी जब आप हमारी मान लोगे। क्यों? क्योंकि मालिक आए हुए हैं। मैं खुद कहता हूँ मोदी जी को भ्रमित किया जा रहा है, मोदी जी को बताया जा रहा है कानून ऐसे है, कानून वैसे है। मैं मोदी जी अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी वोट मोदी जी को दूंगा, पर मोदी जी हमारी बात सुने, वो सुनेंगे। मैं उनसे अच्छा पीएम ना मिलेगा, ना होगा, ना होगा, मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ। पर पीएम मोदी जी से आदरणीय हाथ जोड़ के विनती है, मोदी जी हमारा दर्द समझो, दर्द समझो, दर्द समझो। मोदी जी आज 24 दिन हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, हमें पता है कैसे बैठे हुए हैं। आज जिस तरह वो गुरुद्वारे पे गए शहीदी गुरुपुरब है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो झुक रहे हैं या किसानों के दिल की बात? इसमें झुकना देखो, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, झुकना किसी से नहीं होता। मैं भी किसी आस्था मंदिर जा सकता हूँ, मुझे ये नहीं कह सकते झुक गया। मैं आदरणीय मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने किसी भी आम नागरिक को बिना बताए बेचारे गए हैं, ना कोई वहाँ बैरिकेड किया, ना किसी को तकलीफ दी, चुपचाप आम आदमी की तरह अपना मत्था टेक के आए। कहाँ तक सही है कि केवल एक कानून की वजह से आप ये नारे लगाओ, हाय हाय मोदी मर गया मोदी? मैं अभी भी आपसे तमीज से बोला आदरणीय मोदी जी, मैंने बोला है आदरणीय मोदी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखो पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर किसी का ठंडा धून होता है। मैं तो हाथ जोड़ के नम्रता से विनती कर रहा हूँ मोदी जी, मैं अभी भी वोट दूंगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को भ्रमित किया जा रहा है, अमित शाह की तरफ से भ्रमित किया जा रहा है। अब बंगाल में आज तक तो ममता बनर्जी के कोई आया मंत्री टूट नहीं रहा था, अब एकदम जैसे लहर चली है तो सारे मंत्री टूटने लगे। क्योंकि देखो पैसा बड़ी बुरी चीज है, पैसा तो भाई भाई को डाल अलग कर देता भाई साहब। जरो जोरू जमीन, मैं तभी कह रहा हूँ धन्य मोदी जी आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो हमारे लिए आए थे ना, आपके कुछ नहीं, मुझे पता आपको कुछ चाहिए भी नहीं। आप तो मैं कहता हूँ इतना अच्छा दिल लिख के जाओ कि इतिहास लिख के जाओ मोदी जी कि हमारा ऐसा पीएम मिला था। मैं सूट करता हूँ पीएम मोदी जी को, पर ऐसा काम मत करो। इतना दर्द हो रहा है, किसान बेचारा बूढ़ा मर रहा है, कोई 56 साल का, कोई 65 साल का। मोदी जी मैं आपको हाथ जोड़ के आदरणीय मोदी जी मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे हो, अभी भी कहूँगा आप इनकी बातों पर भ्रमना हो। अगर आपको लगता है कि ये बच्चे बिगड़े हैं या कोई भ्रमा है, भ्रमा किया गया है, तो मैं आपको ये विनती करता हूँ इसमें स्टे ले लीजा जाए, स्टे ले, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोरोना काल चल रहा है मोदी जी, कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी स्टे ले लिया जाए, राज्यसभा में इसकी वोटिंग करा दी जाए। बहुत आसान, इसमें आपकी कोई नाक नहीं झुक रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, ये लॉजिक वाली बात है, लॉजिक वाली। हम यहाँ से सब वापस चले जाएंगे क्योंकि ये स्टे ले लिया। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको मैं नौकरी दूंगा, जब तक उसका इंटरव्यू नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, कैसे दे दूंगा? लिखित कैसे हो जाएगा? नौकरी तभी लगेगी ना, उसका परीक्षा देगा, इंटरव्यू देगा बच्चा, तो अभी पास होगा ना। तभी कह रहा हूं मोदी इसका राज्यसभा में कोरोना काल में आपने ये सब प्रॉमिस कर दिया गया, कोरोना काल में सब यही कह रहे हैं, कोरोना काल में आपने कर दिया। मैं ये भी कहता हूं अभी फिलहाल आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम मान करते हैं, हम चले जाएंगे, हम 22-25 दिन से धरना कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हो कितने ठंड का मौसम है, माइनस रात को देखो, हमें पता नहीं चलता कि हम 2 बजे उठ गए हैं, 2:30 बजे उठ गए, पता नहीं चलता। मोदी जी मेरी हाथ जोड़ के अभी विनती, मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे मालूम है मेरा बाप जब लेके जाता है ना किसान की पूरी मंडी में, तो वो 2400 में पता मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि एमएसपी का कम से कम रेट है। जब वो 1400 बेच के आता ना, तो हम सोचते हैं हम खेती छोड़ ही दें, हम नौकरी कर लें कहीं। प्लीज मोदी जी इसमें स्टे ले लीजिए, आपकी कोई सम्मान का कोई चर्चा कोई हम नहीं कह रहे, हम अभी भी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। हमें पता है ऐसा पीएम हमें नहीं मिलेगा, अभी भी कह रहे हैं मोदी जी, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है पीएम हमारा। हम ये चाहते हैं, हमको कोई अबद्ध भाषा नहीं करना चाहते, हम किसान कोई कौम नहीं है, न सिख है न ईसाई है, किसान का गेहूं सब खाते हैं, वो ब्राह्मण भी है, क्रिश्चियन भी, तभी कह रहा हूँ किसान
किसान और जवान इतना परेशान हो चुका है ना, क्योंकि हमारे घर से एक किसान और एक जवान भी, बिल्कुल वो हमारा ही खड़ा, वो ना हो कि वो भी भड़क जाए और हमारा बाहर का चाइना पाकिस्तान वो हमारे घर की लड़ाई को उसका मुद्दा बना लिया जाए। इसलिए कह रहा हूँ किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, मोदी जी आप समझे, आप प्लीज इस पर स्टे ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी हम कुछ नहीं कह रहे, स्टे ले लीजिए उसका कानून, फिर राज्यसभा पारित करिए, फिर देख लेंगे। बस इतना मेरा, इतना मैं हाथ जोड़ के विनती हूँ, मैं अभी अपने कसम खा रहा हूँ सब उठ के चले जाएंगे, एक स्टे ले लीजिए। किसान ठंड में मर रहा है, कोरोना काल है, इसीलिए आदरणीय मोदी जी प्लीज इसीलिए कर लीजिए, बस कुछ जिद मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जहांगीर है, मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। इन्होंने तीन जो एक्ट बनाए हैं, पहला मंडी जो बनाया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा एमएसपी। देखिए मैं एमएसपी पे बात करूंगा, इसलिए एमएसपी पहले से ही है, मैं एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ही बात कर लूंगा आपसे और मंडी पे भी बात करूंगा। एमएसपी बात इसलिए कर रहा हूँ, एमएसपी पहली बार गवर्नमेंट ने 1967 में बनाया, अब इन्होंने उनको एक्ट बनाया, बिल बना दिया इन्होंने, तो सरकार से सब लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप अलग अलग पार्टी थी जिन्होंने बनाया और जिन्होंने लागू किया। मैं तो बोल 67 में ये पार्टी नहीं थी, सिंपल सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, 67 में कांग्रेस थी, उन्होंने इसको एक लोगों के लिए, किसान के फायदे के लिए, मंडी मैनेज करने के लिए, मंडी पे मंडी से लोगों को डायरेक्ट खरीदें या बेचें सही पैसे पे, जो एमएसपी का एक पैसा लगाया, मिनिमम रेट लगाया। ऐसा कभी होता नहीं, आपने एक कोला का या कोल्ड ड्रिंक का वाटर खरीदते हैं, आप मैक्सिमम लिखा होता है, मिनिमम नहीं लिखा होता है। आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं, मैक्सिमम प्राइस होता है, मिनिमम नहीं होता। वहाँ पे डीजल खरीदते हैं, वो मैक्सिमम होता है प्राइस, उसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होता है, इसलिए मैक्सिमम बोलेंगे उसको, उसके मिनिमम नहीं बोल सकते आप। किसान के लिए, जो किसान अन्नदाता है, जो किसान हमारा आपका सरकार का पेट भरता है, वो किसान के लिए अन्न खरीदने के लिए उसको मिनिमम प्राइस रखा गया, न्यूनतम प्राइस बोलते हैं उसको, एमएसपी का जो भी प्राइस है न्यूनतम प्राइस है, वो न्यूनतम प्राइस से भी नहीं खरीदा जा रहा है, ये एक फैक्ट है। 8 रुपये किलो खरीदते हैं चावल गेहूँ और बेचते हैं मॉल में जाकर 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, तो ये कंडीशन है। नहीं नहीं, ये फैक्ट है ना, आप मंडी में किसान, अभी सरकार ने बोला कि इस पर हम कानून बनाने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, सरकार ने पहले क्या क्या बोला उसको भी रखिए दिमाग में, सरकार क्या बोलती है क्या करती है वो आप सबको मालूम होना चाहिए। 2014 में आई सरकार, 2017 में इलेक्शन लड़ा यूपी का, उसमें मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों जो किसान का बिल बाकी है गन्ना का, 14 दिन में पेमेंट करेंगे उसका, वो 14 दिन में पेमेंट कर रहे थे, नहीं तो दोगुना देंगे। ये सारा कहाँ गया? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे एक दिन में, अब तक 6 साल में 27 करोड़ लोगों की रोजगार जा चुकी है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो सबको पता है, इसलिए इस बात पर भी लोगों को कोई यकीन नहीं है। पहली बात, आप ऐसा कानून क्यों बनाए मेरे भाई जो आप 10 संशोधन के लिए तैयार हैं, 10 संशोधन हम करेंगे इसमें, जो आपको रियलाइज हो रहा आपने गलती किया, तो आप ऐसी गलती क्यों करते हैं? उन्होंने एग्री किया कि मैं संशोधन करूंगा इस पे। आप ऐसा काम क्यों करते हैं जो आपको, आप उस काम में खुद फंसते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। देखिए सरकार जो है ना, सरकार को समझिए पहले, सरकार है क्या? पब्लिक के हित में काम करने के लिए चुनी जाती है, ठीक है। मैंने पहले कहा आपको, 3 कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन है, जुडिशियरी, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव। पहला नंबर न्यायालय का है, दूसरा नंबर जो भी प्रतिनिधि हैं विधानसभा लोकसभा उसका नंबर है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आप जो काम करना वो आप तो किया नहीं, बाद में गए आप अपना काम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए आप। दूसरे नंबर पे लोकसभा राज्यसभा, उसमें आपको बिल लाना चाहिए ना, अपोजिशन के लोग हैं, सारे दल के लोग होते हैं, सारे स्टेट के लोग होते हैं, वहाँ पे MPs होते हैं, उसमें डिस्कशन करना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पे आप पास हो तो फिर आगे आप बात रखते हैं, डिस्कशन होता है ना, तरीका ना भाई। यहाँ डेमोक्रेसी है इंडिया में, इंडिया जर्मनी नहीं है, रशिया नहीं है, अपने हिसाब से आप निकाल लेंगे पास कर देंगे। इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पे कम से कम डिबेट में लाइए ना बिल को। आप क्या करते हैं, रात को 8 बजे नोटबंदी कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, सुबह में जो आपके मीडिया लोग हैं पूरा एकदम 24 घंटे के लिए आपके फोटो दिखा देते हैं, मोदी जी ने किसान के हित में कर दिया, पब्लिक के हित में, जनता के हित में, 24 घंटा चलती है आपकी फोटो, आपके काम को, काले काम को सफ़ेद दिखाया जाता है। क्यों? आपने मीडिया को आगे कर रखा, सबको पता है, ठीक। आप नोटबंदी के बाद आप कालाधन पे आ गए, कालाधन पे भी सबको पता है क्या क्या इन्होंने ने किया एमएसपी के बारे में कि तो मैं सर अभी कानून बनना तो दिक्कत का, आप पहले कानून बनाते ना, आपको बिल बनाने के पहले क्या तो अभी कानून बोल रहे हैं, बना रहा हूं। कुछ बोल रहे हैं वो, अभी वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप एक लाइन को मत रखिए, दूसरी लाइन भी रखिए, तीस सब लाइन रखिए आप। अभी ये बोलने से पहले जितने अडानी, अंबानी, टाटा स्टील और वाम जो सारे कॉर्पोरेट वाले हैं उसको उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया पूरा, आप फंसे हैं ये किसान की बात में। किसान जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये इसके आंदोलन फंस गया था, उस बचाव डिफेंडिंग मूड में कुछ ही बोलती है सरकार, करती क्या है? मैं उसका आप भी वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ, सरकार करती क्या है?
सरकार क्या क्या स्टैंड हो। देखिए छह बार उन्होंने बात किया, किसान जो डेलीगेशन है छह बार बात किया, क्या कंफ्यूजन किसान डेलीगेशन से अमित शाह ने और तोमर ने, फाइनल क्या निकला रिजोल्यूशन मुझे जानकारी नहीं, आप बता दीजिए। आप लोग एक्टिव हैं मीडिया वाले हैं, सरकार अपने बचाओ, मेरे पास सरकार के सवाल नहीं है, मेरे पास कंफ्यूजन के सवाल है कि आखिर सरकार और किसान के बीच में कंफ्यूजन कहां पर है। सरकार कंफ्यूजन में है, किसान पूरी तरह क्लियर है, पूरी तरह सरकार कंफ्यूज्ड है, 100% सरकार कंफ्यूज्ड है। जी जी आप बताएं, किसान कहीं कंफ्यूजन में नहीं है। पहले तो एक मिनट, ये आप बोलते हैं ना, मैं देखता हूँ मीडिया सोशल मीडिया पे कि जो थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आगे तो किसान नहीं है, प्रणाम दे दें। सोशल मीडिया नहीं बोलती है, सोशल मीडिया नहीं बोलती है, नेशनल मीडिया। भारतीय किसान यूनियन के बेटे हैं हम, इसका प्रणाम दे दें आपको, समझ आ जाएगा। देखो ऐसा है, इन सब चीज़ों से हटके एक बात करो, हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं मान रहे आप, बस इतनी सी बात, छोटा सा सवाल है भाई, इसमें क्या बहस, मैं मुझे हिट नहीं होना आपके चैनल पे या सारी दुनिया में, क्या जरूरत है। इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दिक्कत है, लेकिन रिलायंस के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया था कि रिलायंस कंपनी आके कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलाएगी जिससे किसानों का भला होगा, तो फिर दिक्कत कहाँ पर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं चाहता हूँ कि इस टाइम बारिश का मिशन मैंने धान लगानी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो कहेगा नहीं जी तुम तो ये सब्जी लगा लो, मुझे वो लगानी पड़ेगी। हाँ सही बात है, मुझे उस पर ज़्यादा खर्चा होगा, नुकसान होगा, मैं तो मैं मजदूर हूँ, मेरा अपना खेत है, मैं मजदूर हो गया एक तरह का, मैं मेरी मर्जी है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे जिसमें मुझे फैसिलिटी लगती है वो लगाऊंगा मुझे। लेकिन उस कानून में कहीं ये नहीं लिखा कि आपकी जमीन जबरदस्ती कारपोरेट आपसे ले लेगा, ये कन्फ्यूजन नहीं है, इसे आप कन्फ्यूजन का नाम क्यों दे रहे हैं यार, कन्फ्यूजन का नाम इसे क्यों दिया जा रहा है समझ नहीं आ रहा। देखो सुनो, कोई भी काम करोगे नॉर्मली, पहले मुंह ढक लेते हैं, कल फेमस होना मकसद ना हो। मेरी बात जी, गांव से लेती है, किसानों से लेती है, क्या आज तक किसी अमूल कंपनी ने क्या आज तक किसी की भैंस ली ना, भैंस ली किसी की नहीं ली ना। कंपनी इसलिए आती है कि आपको मुनाफा मिल सके, इसलिए नहीं कि आपकी जमीन या आपकी भैंस को ले, इसका जवाब खुद ले रही है। ये हुआ क्या है, ये ना कंफ्यूजन हो गया, इसलिए तुम्हें इन्होंने गलत तार छेड़ दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर आदमी हूँ, व्यापारी हूँ, भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय किसान यूनियन में मेरे फादर का सैनिक नंबर 5599 है, तो मैं कौन हो गया, मैं भारतीय किसान का बेटा हो गया, और जब मेरे बाप ने शपथ दे रखी तो मेरा तो खून तन मन धन सब इस पे हाजिर है, क्यों ये मेरे हैं। हुआ क्या है, कंफ्यूजन ये हो गया कि ये सोच रहे थे कि सब कुछ ऐसे ही चल जाएगा, जो चाहा वो कर लिया, मैं कुछ नहीं कॉल कर रहा। अभी आप कहोगे आपका नाम, मेरा नाम है किसान, कौन हूं मैं, हाँ मैं हूं किसान, और मैं जब इसे फाड़ के इसमें से सामान निकाल सकूं तो तू तो जन सेवक है हमारा, गलत तो नहीं कह रहा मैं। मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंटेंट है, अभी वो साथ नहीं है, वो कल मुझे ये कहने लगे जी कुर्सी मेरी, समझ में आएगा क्या, और मालिक आए हुए हैं भाई, झुकना तुम्हें ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, किसान अगर झुक गया तो खत्म है, उसे जीने का भी हक नहीं है फिर, जिंदाबाद, उसे जीने का हक कहाँ छोड़ा भाई मेरे, यहाँ से निकल रही है इसलिए तकलीफ, तुम्हें लग रहा होगा नहीं बहुत अच्छा बोलता है और मीडिया, नहीं भाई ये यहाँ से निकल रही है, लॉजिक की बात होनी चाहिए, लॉजिक की हो रही है, हमें तकलीफ ये है, ये वापसी जाएगा बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ सरकार आपको MSP पे कानून बनाने के साथ साथ जाएगा, मैं क्या बताता हूँ, MSP पे कानून बनाने के साथ साथ खरीद की गारंटी का भी कानून बनाना, कौन दे रहा गारंटी, आप गारंटी, अरे नहीं देंगे ना ये।